हाँ भाई, स्पीड बढ़िया है अपनी। जंप भी थान ने काफी अच्छा मारा भाई। सारे कंटेनर जो थे अपने क्रॉस कर दिए बैंकर। और भाई ये तीसरे स्कॉर्पियो ने भी, तो भाई अपने स्कॉर्पियो ने भी सारे ही कंटेनर बैंकर क्रॉस कर दिए काफी आराम से। और फैक्ट्री हुई चलती है टैरो में। और भाई ये फॉर्चुनर ने भी अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, भाई सारे ही कंटेनर अपने इधर से क्रॉस कर। स्पीड का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई चलो ये भी 300 प्लस तो आराम से एटलीस्ट चली ही गई। ट्रैम्प का इतना गलत भी नहीं है। और भाई कंटेनर में बोलूँ तो एमजी एक्टर ने सारे क्रॉस कर दिए। चलो जैसे ने नीचे तक ठीक जा रही है, लेकिन भाई नीचे का सीन पता नहीं होगा क्या। और भाई अपने क्रिएटर ने चलो सारे कंटेनर क्रॉस कर दिए निकाल के, जो कि भाई ब्लैक कलर की है, तो मेरे को तो लग रहा है लैंड क्रूजर। भाई सारे जो कंटेनर है भयंकर अपने आराम से काफ़ी क्लोज में। और भाई काफ़ी इस कार से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है अपने को, जो कि भाई काफ़ी अलग तो उड़ गई। लेकिन भाई तो पब्लिक पब्लिक क्या हाल चाल, पब्लिक हम आ चुके हैं कौन नए खतरनाक से गेम पे में वापस। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और भाई फिर अपने पास अपना एक और नया खतरनाक सा रैंप भाई, जो कि आपको दिख रहा होगा। हम इधर से कार जंप कराएंगे अपनी, जो कि भाई नीचे अपने 150 से 200 के लगभग में अपने कंटेनर हमने जो खड़े करके रखे ट्रेन वाले, इसके ऊपर से भाई हमें जंप करानी है। और भाई उधर सामने जो इस तक हमें टच करानी है कार अपनी। तो भाई ये आज का अपना चैलेंजर, भाई बात करें चैलेंज में जो कार आज हम यूज़ करने वाले हैं वो होंगी भाई साहब अपनी इंडियन कार, जो कि भाई आपको दिख रही होंगी ये रही अपनी इंडियन कार। भाई ये नहीं है, और भी हम कार अभी स्पॉन कराएंगे। बात करें कारों की तो भाई अपनी बुलेरो, ये अपनी भाई साहब XUV 700, ये भाई साहब महिंद्रा वालों की एल्टास, भाई ऐसे नाम है इसका कुछ। ये अपनी स्कॉर्पियो एन, जो कि भाई ब्लैक कलर में काफ़ी तगड़ी लग रही है। भाई अपनी टोयोटा वालों की ग्लैंजा, जो कि भाई साहब काफ़ी स्मॉल सी लग रही है इसके अपनी कारों के बराबर में खड़ी हुई। तो भाई स्टार्टिंग की बात करें तो भाई इसे लेके चलते हैं, जरा देखते हैं अपनी कार की परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई परफॉर्मेंस की तो इधर कोई हो नहीं है। भाई अपने जो कंटेनर है वो क्रॉस हो जाने चाहिए। कार अपनी भाई साहब 200 प्लस 300 प्लस, नहीं भाई 300 प्लस नहीं गई, भाई 200 प्लस गई थी, जो कि भाई आराम से अपना जो कंटेनर है वो तो क्रॉस कर जाएगी। और भाई अपने को सामने कार टच करानी है, जो कि भाई चलो हल्की सी रहेगी, भाई अपनी इधर गिननी चाहिए आगे कार इस पर। तो भाई चलो ग्लैंजा ने अपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो भाई साहब जरा इसे नीचे लेके चलते हैं आराम से, इसके नीचे जाने का वेट करते हैं। तो भाई कार अपनी ऑलमोस्ट आ चुकी है नीचे, तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। और राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी XUV 700 की, भाई इसको भी चलते हैं यार नीचे लेके, देखते हैं अपनी XUV 700 इधर महिंद्रा वाले क्या परफॉर्मेंस देते हैं निकाल के, जो कि भाई कार अपनी 200 प्लस तो आराम से, नहीं भाई 200 प्लस अपनी भाई 250 की स्पीड में सारी ही कार जा रही है। और भाई ये काफ़ी क्लोज में नहीं जा रही भाई, जब महिंद्रा वालों की 250 की स्पीड में भयंकर भाई 6 कंटेनर से रहेगी अपनी कार ये। बाकी भाई परफॉर्मेंस ठीक दी है इसने निकाल के भाई, इसे ऊपर लेके चलें अगर हम तो। हाँ भाई चलो परफॉर्मेंस बढ़िया दिया कान ने निकाल के भाई साहब, जरा नीचे करते हैं जरा पार्क। भाई वैसे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई कार अपनी बढ़िया ही चल रही है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रही है निकाल के। तो भाई इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। और राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपने महिंद्रा वालों की कार है ये ओल्टार रास ऐसी, भाई G4 ऐसी नाम है कुछ काफ़ी अलग सा। तो भाई कार की बात करें तो भाई कार है तगड़ी, भी देख लेते हैं जरा स्पीड में क्या परफॉर्मेंस आती है निकाल के, जो कि भाई 300 तो भयंकर ऐसे ही चली गई भाई साहब, काफ़ी अच्छी स्पीड में कार अपनी गई है भयंकर। भाई ये पहली कार है अपनी, तो 2-3 ट्राई करी है हमने अभी तक, उनमें से भाई साहब कोई भी कार अपनी 300 प्लस नहीं गई थी, लेकिन भाई ये कार चलेगी, जो भाई साहब अपना जो मेन टारगेट था भयंकर उधर ही गिरी है, उसे एकदम टच कराए इसने भाई। बाकी बात करें कार की तो भाई परफॉर्मेंस ठीक ही दे रही है कार निकाल के। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा वालों की बुलेरो की, देखते हैं मतलब अपनी बुलेरो इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई काफ़ी खतरनाक तो परफॉर्मेंस देने वाली है बुलेरो, क्योंकि भाई महिंद्रा वालों की कार है तो भाई इतनी तो परफॉर्मेंस बनती है, जो कि भाई 350 की स्पीड में गई है भयंकर। और भाई मेरे को लग रहा है अपना जो ये है भाई, ये भी इसने क्रॉस कर दिया भाई, जो अपना टारगेट था इधर अपने को कार अपनी टच करानी थी भाई, उधर से भी इसने बुलेरो ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी निकाल के। और भाई कार भयंकर अपनी भाई हल्का सा डेंट आया इधर, बाकी कार की बात करें तो भाई अपनी ओके एकदम मस्त चल रही है। तो भाई ज़रा रैंप के पास लेके चलते हैं, मगर भाई कार अपनी बात करूँ भाई इतना डेंट नहीं आया, जितनी ऊपर से गिरी है कार अपनी इतना डेंट भाई बिल्कुल भी नहीं आया कार अपनी, चलो काफ़ी बढ़िया अच्छी
परफॉर्मेंस देती हुई निकाल के तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो एन की। देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई ब्लैक कलर में भयंकर काफ़ी तगड़ी लग रही है। भाई इसको चलते हैं जरा नीचे ले के, भाई मैंने ऊपर से जंप करा दी तो भाई स्पीड का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चलो ये भी 300 प्लस तो आराम से एटलीस्ट चली ही गई। जिसने भाई साहब एक फ्लिप अपना पूरा मार दिया, भाई साहब आगे की तरफ हल्का सा डेंट आ चुका अपना ऑलरेडी। आगे भाई कार ने भाई अपना जो टारगेट था टच कराना वो करा दिया, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी कार ने निकाल के। तो भाई कार अभी भी चलो ठीक ही चल रही है, तो उसको करते हैं धरी पार्क, लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से वापस अपनी कुछ कार लेके, जिसमें अपने होंडा वालों की होंडा सिटी, महिंद्रा वालों की थार स्कॉर्पियो S10 और भाई हुंडई वालों की एक और कार ही अपनी हुंडई वालों की वेन्यू। तो भाई स्टार्टिंग हम जरा वेन्यू से करते हैं, देखते हैं अपनी वेन्यू इधर क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई कार अपनी मीडियम सी है मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ भाई की अपनी खतरनाक कार है, काफ़ी तगड़ी कार है जो कि भाई मैंने काफ़ी गलत नहीं गुजार दी भयंकर। ऑलराइट गाइस, कार अपनी भाई लेके आ चुकी है वहाँ पे, जो कि भाई मैंने काफ़ी गलत ही गुजार दी थी। तो इसको करता है जरा कराते हैं आराम से जंप, जो कि भाई काफ़ी अच्छे तो मैं नहीं बोलूँ, ऐसा अपनी ठीक ठाक स्पीड में ही जंप हुई है, जो कि अपनी एटलीस्ट से तो टच कर ही जाएगी, जो कि भाई करेगी। चलो आराम से कार अपनी नीचे जा रही है, तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बात करें कार की, तो भाई वही लेके चलते हैं अपना हुंडई वालों की। भाई काफ़ी अलग सी कार है भयंकर, ये कैस्टो ऐसी नाम है भाई इसका कुछ। तो भाई से चलते हैं जरा नीचे लेके, जो कि भाई अपनी इनोवा की तरह ये कार भयंकर, तो भाई भगाते हैं इसको भी जरा स्पीड में, देखते हैं मैक्स स्पीड क्या जाती है इसकी। भाई 360-365 के आसपास इसकी मैक्स स्पीड गई थी अपनी कार की। बाकी भाई परफॉर्मेंस ये भाई ठीक दी है इसने निकाल के। भाई ये दूसरी कार है अपनी जो उससे आगे गिरी है, भाई पहली थी बलेरो, दूसरी है ये। बात करें भाई कार की तो भाई इसमें भी इतना डेंट नहीं आया भयंकर, काफ़ी ठीक ही गिरी थी अपनी कार आगे। भाई कार की बात करें तो भाई कार ने चलो परफॉर्मेंस ठीक ही दी है निकाल के, तो इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी हुंडई वालों की होंडा सिटी की, यानी कि हाई वाइप कुछ लिखा हुआ है हाइक्टिक सी कार पे। तो भाई इसको चलते हैं जरा नीचे ले कर, भाई मैं जंप काफ़ी गलत करा रहा हूँ इधर से भयंकर। भाई रैम भी अपना कुछ ऐसा बना हुआ भाई काफ़ी गलत सा, तो भाई अब के जरा ब्रेक लेके नीचे कूदाएंगे इसको। बाकी भाई कार ने अपनी ना भाई परफॉर्मेंस ठीक है, अपने जो नीचे के कंटेनर है सारे भाई क्लोज तो कर दिए, लेकिन भाई थोड़ी सी नीचे रहेगी कार अपनी, जो कि भाई अगर इसके ऊपर गिरती तो अपने काफ़ी बढ़िया मज़ा आ जाता। लेकिन भाई चलो जहाँ तक भी गिरी कार ठीक ही, और भाई ये काफ़ी ठीक स्पीड में नीचे जाती हुई कार अपनी, और बाकी भाई परफॉर्मेंस ठीक दिए कान ने निकाल के। तो इसको करते हैं धरी पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी स्कॉर्पियो S10 की, देखते हैं अपनी इधर S10 क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, क्योंकि भाई ये कार का भयंकर अलग ही सीन रहा था भाई, ये आवाज़ कुछ गलत लेवल पर करती और भाई अपनी बिल्कुल भी S11 की तरह परफॉर्मेंस नहीं देती निकाल के। लेकिन भाई जब इस रैम पे तो 10-20% दे सकते हैं, जो कि भाई इधर भी नहीं दिया इसने, दे ही सकते तुम भाई सब किधर गिरी है अपनी S10 आके। तो भाई इसको चढ़ाते हैं इस पे जरा, भाई अपना जो टारगेट है वो तो भाई नीचे से पूरा कर ही ले। बाकी भाई कार की स्पीड भी ठीक थी, पता नहीं भाई साहब S10 में क्या प्रॉब्लम है भयंकर, समझ नहीं आता कुछ। तो भाई इसको करें कार को परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, इतनी बढ़िया भी नहीं थी भयंकर निकाल के। इसको करते हैं धरी पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा थार की 4x4, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार है अपनी। भाई हमने ऊपर की छत इसकी निकल ला के रखी है, यानी कि निकलवा रखी है ऊपर की छत। तो भाई बात करें कार की तो हाँ भाई स्पीड बढ़िया है अपनी, जंप भी थान ने काफ़ी अच्छा मारा भाई, सारे कंटेनर जो थे अपने क्रॉस कर दिए भयंकर। और भाई ये तीसरी कार होगी मेरे ख्याल से, तो भाई अपना जो टारगेट उससे भी आगे गई है भाई। तो लैंडिंग भाई साहब, भाई इस पर मेरे को लग रहा भाई नीचे इंजन में काफ़ी गलत वाला तो डेंट आया हुआ भयंकर। बाकी भाई कार अपनी चल काफ़ी तगड़ी रही है भाई, बात करें परफॉर्मेंस की तो भाई वो भी बढ़िया दे रही है। थान निकाल के अपनी कार भाई लगती तो काफ़ी तगड़ी है चलने में। बाकी भाई परफॉर्मेंस भी थान ने ठीक ही दी है निकाल के, तो भाई इसको करते हैं धरी पार्क
और लाते नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपने फिर कुछ खतरनाक से कार लेके वापस, जिसमें अपनी भाई साहब डस्टर, ये भाई मैं स्टार्टिंग करूँ तो अगर ये डस्टर है, ये सुजुकी वालों की ब्रेजा, ये अपनी एम जी एक्टर, टाटा वालों की हैरियर, इनोवा अपनी भाई स्टार्टिंग में करूँ तो भाई अपनी डस्टर लेके चलेंगे हम। देखते भाई साहब इधर अपनी डस्टर जो है भयंकर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, क्योंकि भाई कारों ने सभी ने अपना एवरेज क्योंकि भाई कारों ने सभी ने अपना एवरेज से परफॉर्मेंस दी है निकाल के। भाई तीन चार कार थी जिन्होंने काफ़ी ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी है, तो भाई इसको भी चलते हैं डस्टर को नीचे लेके। ये करा दी हमने प्यारी जंप और भाई कंटेनर तो मैं बोलूँ सारे क्रॉस कर दिए। चलो अपनी डस्टर ने भाई कर दिए, नहीं भाई कर दे, हो जाए पूरे भाई, पूरे कर दे भाई, बिल्कुल जो लास्ट वाला था उसके कोने पर गिरी आगे। बाकी भाई कार ने अपना जो टारगेट था चलो वो भी ऑलमोस्ट कर दिया है पूरा। तो भाई इसको जरा मैं नीचे भाई सीधी गिरी हैंग। बाकी भाई बात करें भी कार की तो हमारी कार ने परफॉर्मेंस बढ़िया थी निकाल के, तो इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब लेके चलने वाले हैं अपने टोयोटा वालों की इनोवा। देखते हैं अपनी इनोवा क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर इधर निकाल के, जो कि भाई साहब काफ़ी तगड़ी तो मैं बोलूँ भाई कार है अपनी टोयोटा वालों की है। तो भाई इधर फैमिली कार है अपनी, परफॉर्मेंस का पता चले जो कि भाई आगे तो हल्का सा डेंट आ चुका ऑलरेडी। बाकी भाई कंटेनरों की बात करें तो भाई अपने सारे ही क्रॉस कर दिए इसने, और भाई ये चौथी कार होगी अपनी, हाँ भाई फोर्थ कार है अपनी, जो भाई जो अपने टारगेट से भयंकर आगे गिरी है जाके। बाकी भाई कार अपनी चल वल ठीक रही है, तक खास कोई नीचे गिरने के बाद इस पर डेंट आया नहीं, लेकिन भाई ऊपर अपना काफ़ी गलत तो नहीं बोलूँ मगर हाँ भाई आगे की तरफ डेंट तो आ गया था। बाकी भाई कार की बात करें तो भाई ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी टोयोटा भाई टाटा वालों की हैरियर की, मैं टोयोटा बोल रहा हूँ भाई साहब अपनी टाटा वालों की हैरियर, देखते हैं अंदर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई साहब काफ़ी ही तगड़ी कार है। तो अपनी भाई स्पीड में काफ़ी अच्छी में जा रही है, और भाई इसने कंटेनर भयंकर अपने टाटा वालों ने सारे ही क्रॉस कर दिए हैं। बाकी भाई अपनी फिफ्थ कार है जो भाई साहब टारगेट से आगे गिरी, और भाई सबसे आगे गई है भयंकर अभी तक, इससे आगे भाई कोई कान नहीं आई थी अपनी। भाई बात करें कार की तो भाई कान ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी है निकाल के, लैंडिंग अपनी बढ़िया हुई है। तो भाई इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी सुजुकी वालों की ब्रेजा की, देखते हैं भयंकर अपनी ब्रेजा इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई कार अपनी है तो काफ़ी तगड़ी है अभी सुजुकी वालों की, तो भाई भी पता चल जाएगा। जिस भाई जंप तो ठीक मार गई है भाई, फ्लिप भी मार रही है ऊपर ही ऊपर। भाई बात करें कंटेनरों की तो भाई वो भी क्रॉस कर दी, और भाई ये भी कार अपनी जो टारगेट था भयंकर उससे आगे गिरी है, लेकिन भाई साहब इसमें डेंट काफ़ी गलत आया भयंकर, भाई कार ने हमें भारी फेंक दी। बाकी भाई बात करें कार की तो भाई पीछे की तरफ तो नहीं, लेकिन भाई आगे की तरफ काफ़ी गलत वाला डेंट तो आया भयंकर। तो भाई इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी एमजी एक्टर की, देखते हैं अपनी भयंकर एमजी एक्टर की परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई अपनी काफ़ी तगड़ी कार है, और भाई अभी पता चल जाएगा कि क्या उखाड़ पाती है ये भी, क्योंकि भाई सीन इधर रैंप का इतना गलत भी नहीं है, और भाई कंटेनर में बोलूँ तो एमजी एक्टर ने सारे क्रॉस कर दिए, चलो बढ़िया। और भाई अपने टारगेट पर तो गिरेगी या नहीं, भाई आराम से गिरेगी, एकदम टॉप पे गिरी है उसके। बाकी भाई कार ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी अपनी निकाल के, भाई डैमेज तो हुई है कार अपनी। तो भाई इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई फिर अपने पास अपनी काफ़ी ख़तरनाक सी कार अंडे वालों की, वरना महिंद्रा थार भाई फुल्ली ऑफ रोडिंग वाली अंडे वालों की क्रेटा तो नहीं, भाई ये अपने अंडे वालों की क्रेटा है ये भाई, पता नहीं कौन सी बताऊँ अभी। और भाई अपने अंडे वालों की i20 तो स्टार्टिंग भाई i20 से करने वाले हम, देखते हैं अपनी i20 भयंकर इधर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई हम काफ़ी आराम से लेके चलेंगे भयंकर। पता चली भाई हम काफ़ी गलत लेवल पर कार अपनी जंप करा दें। बाकी भाई कार अपनी चलो परफॉर्मेंस बढ़िया दिए कान ने निकाल के, भाई टारगेट जो अपना पूरा कर देगी काफ़ी प्यार से तो लग रहा है भयंकर। भाई चलो टारगेट जो था पूरा कर तो दिया, लेकिन भाई हल्की सी रह गई ऊपर जाने का भाई सीन था अपना, कि कार ऊपर जाए जो कि भाई कार नहीं जा पाई। तो इसको करते हैं धरी पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर और भाई अब बारी अपनी हंडाई वालों की, वरना की देखते भयंकर अब तो भाई देखते अपनी इधर वरना की परफॉर्मेंस देती है निकाल के। तो भाई चलते हैं इसको जरा आराम से नीचे लेके,
क्योंकि भाई थोड़ा रैंप का सीन गलत हो रखा है इधर। और भाई बात करें वैसे कार की तो भाई कान ने अच्छी परफॉर्म दी वरना ने भयंकर। भाई वरना ने अपने सारे कंटेनर क्रॉस कर दिए और भाई एक फ्लिप मार दी खतरनाक से। और ये तो अपने जो मेन टारगेट था भाई उधर ही गिरी है जाके। चलो कान ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है निकाल के, चलो काफ़ी ऊपर तक भी आई है भयंकर। तो भाई से करते हैं जरा नीचे ले जाके पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। अब फुल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई ये पता नहीं हंडई वालों की कौन सी है भाई, 2020 कुछ ऐसी लिख रहा भाई जेड दो पीछे हंडई वालों के पीछे भाई हंडई लिखा हुआ बड़े बड़े एक्स्ट्रा में। तो भाई पता नहीं मॉडल वॉडल क्या है इसका। तो भाई भगाते हैं अपनी कार को जल्दी से, देखते हैं अपनी कार ये क्या परफॉर्मेंस दे पाती है निकाल के, जो कि भाई काफ़ी ठीक ठाक स्पीड में अपनी जंप करते हुए कार। और भाई अपनी भयंकर शैडो भी दिख रही है भयंकर नीचे, भाई नीचे नहीं साइडों में अपनी शैडो भी दिख रही है, जो कि भाई टारगेट तक तो मैं नहीं बोलूँगा पहुँच पाई। भाई टारगेट अपना रहता है कि इसको ऊपर आके गिरे, जो कि भयंकर नहीं पहुँच पाई कार। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। और राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी हंडई वालों की क्रेटा की, देखते हैं भाई साहब अपनी क्रेटा इधर भयंकर क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई जंप वंप तो ठीक ही मार दिया इसने नीचे तक ठीक जा रही है, लेकिन भाई नीचे का सीन पता नहीं होगा क्या। और भाई अपनी क्रेटा ने चलो सारे कंटेनर क्रॉस कर दिए आराम से। और भाई ये जो अपना टारगेट है उस तक भी पहुँचने वाली भयंकर पहुँच गई भाई। हल्की से क्या रहेगी कि भाई अपने जो डायरेक्शन थे वो थोड़ी चेंज होगी, बाकी कार जो अपने टारगेट था वो पूरा करा। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी महिंद्रा थार की 4x4, देखते हैं भयंकर अपनी थार क्या परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई ऑफ रोडिंग में तो मॉडिफाइड है। तो भाई इधर कोई दिक्कत वाली तो बात होने नहीं वाली अपने इधर रैंप पे, जो कि आराम से भाई सब काफ़ी खतरनाक जंप अपनी थार की। और भाई कंटेनर अपने सारे क्रॉस कर दिए थान ने, बाकी भाई अपने टारगेट से अपनी भाई 7th में कार है भाई साहब, ये अपनी जो इतनी दूर गई है डेंट करें तो भाई इधर की साइड हल्का सा आया। बाकी कार अपनी मैं बोलूँ तो भाई वो लोग के एकदम मस्त चल रही है भाई, परफॉर्मेंस काफ़ी खतरनाक दिए भयंकर कान ने निकाल के। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से वापस अपनी कुछ खतरनाक सी कार लेके, जिसमें हम बात करें तो ये अपने टोयोटा वालों का टैकोबा ट्रक, ये अपनी लैंड क्रूजर, ये अपनी स्कॉर्पियो S11, टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर, टोयोटा फॉर्चूनर सिंपल वाली अपनी, और भाई ये अपनी टोयोटा हिलैक्स। और भाई ये टोयोटा फॉर्चूनर काफ़ी खतरनाक मॉडिफिकेशन के साथ स्टार्टिंग की बात करें तो भाई अपनी वाली फॉर्चूनर लेके चलते हैं, देखते हैं भयंकर ये क्या परफॉर्मेंस देती है भाई। चलते हैं इसको जरा नीचे लेके, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है भयंकर निकाल के, जो कि भाई काफ़ी तगड़ी कार है। तो भाई सीन पता नहीं नीचे एक्चुअल में होने क्या वाला है, जो कि भाई मेरे को नहीं लग रहा कि सारे कंटेनर तो भाई ये कद्दू कुछ क्रॉस नहीं कर पाएगी भयंकर, भाई नहीं कर पाई भाई, बोनट वोनट निकल गया भयंकर अपनी फॉर्चूनर के। बाकी भाई कार की बात करें तो हाँ भाई चलो परफॉर्मेंस ठीक है दिखाने निकाल के। तो भाई इसको करते हैं इधर ही पार्क और लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। भाई हवा में भयंकर घुमा दी हमने भाई, कार ने इतनी खास कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं निकाल के। तो भाई ज़रा रैंप के इधर से हटाते हैं इसको, क्योंकि भाई अगर कार लाएंगे तो काफ़ी गलत सीन हो सकता है। तो भाई लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी अब। और राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपने टोयोटा लैंड क्रूजर की, देखते हैं अपनी लैंड क्रूजर की परफॉर्मेंस देती है भाई, ज़रा आराम से लेके चलेंगे नीचे इसको, देखते हैं अपनी कार एक्चुअल में लैंड क्रूजर की परफॉर्मेंस देती है निकाल के, जो कि भाई ब्लैक कलर की है। तो मेरे को तो लग रहा है लैंड क्रूजर भाई सारे जो कंटेनर है भयंकर अपने आराम से काफ़ी क्लोज में और भाई काफ़ी जल्दी क्रॉस कर देगी भाई, जो टारगेट था वो पूरा कर दिया। और भाई गाड़ी में हल्का सा भी भयंकर कोई डेंट नहीं आया, मगर भाई आया आया आगे की तरफ हल्का सा आया, जो भाई रैंप में भिड़ती है कार अपनी। बाकी भाई लैंड क्रूजर में यार पावर बहुत है, इतनी डैमेज नहीं हो पाती कार अपनी। भाई परफॉर्मेंस लैंड क्रूजर ने अच्छी दी है निकाल के, तो उसको करते हैं धरी पार को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। भाई अब के लेके चलने वाले हम टोयोटा वालों का हिलैक्स, देखते हैं अपनी टोयोटा हिलैक्स ट्रक जो है अपना एक या परफॉर्मेंस देता है भयंकर निकाल के, जो कि भाई ट्रक है अपना तो भाई परफॉर्मेंस तो काफ़ी ठीक ठाक होनी चाहिए इसकी, बाकी भाई अभी पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छी स्पीड में तो था, मगर भाई ये थोड़ा रैंप जो अपना घुमा हुआ ना भयंकर नीचे से भाई, उसमें मत थे काफ़ी गलत लेवल पे तो भिड़ रहे हैं। और भाई एक फ्लिप मारी इसने भाई
7 अपने कंटेनरों से रह गया है। बाकी बात करें कार की, भाई कारनी अपने ट्रक है तो भाई परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दी है इसने निकाल के। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं भाई चल ठीक रहा है अपना अभी भी। तो भाई इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। अब ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बारी अपनी टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर की, देखते बैंगर अपनी इधर लेजेंडर की परफॉर्मेंस देती है निकाल के। जो कि भाई फॉर्चूनर ने तो सिंपल वाली ने इतनी खास कुछ भाई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन भाई इस कार से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है अपने को, जो कि भाई काफ़ी अलग तो उड़ गई। लेकिन भाई पता नहीं क्या सीन होने वाला है इधर, जो कि भाई टारगेट अपना चलो फॉर्चूनर ने पूरा तो कर दिया आराम से भाई, जो अपना एक्चुअल में टारगेट था वहीं तक अपनी कार आई है। बाकी भाई जंप वंप ठीक ही हुई है भाई, मैं इधर ज़रा सीधी कलर लेता हूँ। भयंकर भाई ये बड़ी ये सीन काफ़ी गलत लगता मेरे को कारों का। बाकी भाई कार अपनी चलो ठीक है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है कान ने निकाल के। तो भाई जो करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब लेके चलने वाले हैं अपने हम टोयोटा वालों का टैगोवर ट्रक, जो कि भाई काफ़ी लंबा सा तो लग रहा है, क्योंकि भाई हिलैक्स ने तो चलो भाई इतनी खास परफॉर्मेंस अपने को नहीं दी निकाल के। भाई देखते हैं ये क्या कर पाता है, जो कि भाई स्पीड में तो काफ़ी अच्छा जा रहा है अपना भाई टोयोटा टैगोवर वालों ने। अपने भाई कंटेनर में बोलूँ तो सारे क्रॉस कर दिए, और भाई जो अपना टारगेट था वो भी भयंकर पूरा कर दिया है काफ़ी आराम से। और भाई ये गया ऊपर, चलो ठीक है बढ़िया एकदम। बाकी भाई ट्रक अपना लगता था काफ़ी तगड़ा टोयोटा वालों का। भाई ये सेफ ही अपनी डायरेक्शन में बढ़िया नीचे जाता हुआ, बात करें भाई इसे चलाएं अगर अभी तो रुको जरा। भाई अपने चलाने की बात करें तो भाई ठीक ही चल रहा है अपना, परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है निकाल के, एक नंबर चल रहा है। तो इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब के लेके चलने वाले हैं अपनी महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो S11 सीरीज अपनी, जो कि भाई कार को लुक की तुम्हें पता ही है भयंकर क्या लुक आता है इस कार का निकल के। तो भाई चलते हैं इसको नीचे लेके, देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो इधर क्या उखाड़ पाती है। स्कॉर्पियो काफ़ी अच्छी स्पीड में जाती है। और भाई बात करें स्कॉर्पियो ने भी, तो भाई अपने स्कॉर्पियो ने भी सारे ही कंटेनर भयंकर क्रॉस कर दिए काफ़ी आराम से। और भाई टारगेट भी जो था अपना हल्का सा रह गया, टारगेट पूरा कराया भाई आराम से। मैं बोलूँगी तो अगर भाई फ़िलिप विलिप तो नहीं भयंकर भाई, फिलिप इधर नहीं हो पाएगी भाई, मार दी। चलो भाई मैं गलत एंगल में स्टेयरिंग घुमा रहा था, लेकिन भाई चलो कान ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है भयंकर निकाल के, क्योंकि भाई अपनी स्कॉर्पियो तो भाई क्योंकि 10 ने तो काफ़ी बेकार दी थी परफॉर्मेंस, लेकिन भाई 11 ने काफ़ी अच्छी दी है। तो भाई इसको करते हैं धरी पार, को लाते हैं नेक्स्ट कार अपनी जल्दी से। राइट गाइस, हम आ चुके हैं फिर से ऊपर। और भाई अब बची अपनी लास्ट कार, जो कि भाई साहब अपनी फॉर्चूनर भाई साहब फुली ऑफ रोडिंग मोडिफाइड। और भाई स्मोक विस्मोक तो नहीं निकलने वाला, लेकिन हाँ भाई साहब लक काफ़ी तगड़ी दी है भयंकर कार अपनी भाई सेकंड भाई थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं हम शायद फॉर्चूनर ये वाली भाई, और भी गेम प्ले डाले हमने इसके। बाकी भाई बात करें कार तो भाई है तगड़ी है, लगी भयंकर ऐसा धुआं फैक्ट्री हुई चलती है टैरों में। और भाई ये फॉर्चूनर ने भी अपनी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भाई सारे ही कंटेनर अपने इधर से क्रॉस कर दिए काफ़ी प्यार से, लेकिन भाई जो टारगेट था भाई गिरी तो उधर ही है, लेकिन भाई थोड़ी इस पर भिड़ गई जरा हम ऊपर उड़ाएं अगर तो भाई उड़ाने का मेरे को नहीं लग रहा कोई फ़ायदा होने वाला है इधर भाई, चुपी ऐसी निकाल लेते हैं भयंकर। बाकी भाई कान ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है निकाल के। भाई मेरे को ऐसा कोई लग रहा था कि टायर वायर डैमेज होगा किधर से, पता नहीं क्यों भाई मेरे को लग रहा कोई टायर वायर डैमेज हुआ, क्योंकि भाई थोड़ी अटकती हुई चल रही है कार अपनी। बाकी भाई सारी कार ये खड़ी कारों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आज निकाल के। तो गाइस ये थी आज की अपनी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट बॉक्स में करना प्यारा सा कमेंट। अगर कोई भी भाई नया आया हो चैनल पर तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस ये थी आज की अपनी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और गाइस कमेंट बॉक्स में करना एक प्यारा सा कमेंट। अगर कोई भी भाई नया हो चैनल पर तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं एक और नई खतरनाक सी रैंप की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।